डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नेसा ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे दैट हाउ टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व्स। गाइस, क्रेनियल नर्व्स को रिमेंबर करने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूं, एक एडम की, जिसने क्या किया था, पार्टी दिया था। ठीक है, तो ये क्या था, ये एडम था। एडम ने क्या किया, एक ओकेजन बनाया। ओकेजन किसका बनाया, पार्टी देने का। तो पार्टी देने के लिए आए तो उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। तो दोस्तों में लड़के भी थे पर लड़कियां भी थी। तब आप सभी को तो एक चीज पता है कि लड़कों को जहां लड़की दिखी तो लड़कियों को देखना ये लड़कों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, जन्म से आदत होती है। समझ में आया? तो कुछ यही तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से क्रेनियल नर्व्स को लर्न कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा, उस सेंटेंस को आपको हमेशा के लिए याद रखना है अगर आप चाहते हो कि आपको क्रेनियल नर्व्स याद रहे। बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी है, और आपको ये भी पता चल जाएंगे कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी होती है, कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर होती है, कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स्ड होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कुछ इस तरीके का है गाइस, कि ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी थ्रू एडम, ओके, ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी थ्रू एडम फॉर अ गर्ल वी, अब यहां पर डब्ल्यू ई की जगह ओनली वी लिखना है आपको, ओके, वी से हाय। ओके, सो ये क्या है, ये वो सेंटेंस है, जो सेंटेंस है क्या, ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी थ्रू एडम फॉर अ गर्ल वी से हाय। ये सेंटेंस आपको याद कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है गाइस, इसका जो फर्स्ट वर्ड है उस फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से हमको क्या याद रखना है, हमको क्रेनियल नर्व्स को याद रखना है। तो इस वर्ड, इस सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड क्या है, ऑन। ऑन का पहला अल्फाबेट क्या है, ओ। सो ऑन के ओ से क्या आएगा गाइस, वो आएगा क्या, ऑल्फैक्ट्री। ओके, ऑल्फैक्ट्री ओ से चालू हुआ है, तो ऑन के ओ से हमने क्या लिखा, ऑल्फैक्ट्री। उसके बाद ओकेजन के ओ से क्या आएगा, वो आएगा ऑक्यूलोमोटर। तो हमने यहां पे लिख दिया क्या, ऑक्यूलो मोटर। तो यहां पर हमने लिख दिया ऑक्यूलो मोटर, MOTOR। ओके, उसके बाद ऑफ के ओ से आएगा क्या, ऑप्टिक। अब यहां पर गाइस एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर अब तो तीनों नर्व ओ से शुरू हो रहे हैं, तो फर्स्ट नर्व को हम याद कैसे रखेंगे। तो फर्स्ट नर्व को याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका वो होता है कि ऑल्फैक्ट्री के बाद ओ एल आ रहा है। एल मीन्स हम उसे कंसिडर करेंगे क्या गाइस, वन। तो हमने एल को क्या कंसिडर किया, हमने एल को वन कंसिडर किया। तो ये आ गया क्या, ऑल्फैक्ट्री के बाद है वन, मींस ऑल्फैक्ट्री इज द फर्स्ट नर्व। फिर ऑक्यूलोमोटर, तो ओ डबल सी मींस ओ डबल सी ऑक्यूलोमोटर, एंड लास्ट आती है ऑप्टिक। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप तीनों नर्व को याद रख सकते हो, ये कंफ्यूजन हट गया। अब चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर आता है क्या गाइस, पार्टी। तो पार्टी के पी से हम याद रखेंगे क्या, पैथेटिक। तो यहां पे हमने लिख दिया क्या, पैथेटिक। तो ये आ गया क्या गाइस, पैथेटिक। और पैथेटिक का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, ट्रकोलियर। तो ये हमने लिख दिया क्या, ट्रकोलियर। तो यहां पर ट्रकोलियर भी हो गया। अब थ्रू के टी से हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे टी से ट्राइजेमिनल। एंड ट्राइजेमिनल हम सभी को पता है कि ये कौन सी नर्व है, इट इज नथिंग बट अ डेंटिस्ट नर्व। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर एडम के ए से हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए अब्ड्यूसेंस। तो अब्ड्यूसेंस भी हो गया। अब फॉर के एफ से हम याद रखेंगे क्या, फेशियल नर्व। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, फेशियल नर्व। तो ये फेशियल नर्व भी हो गया। फिर ओनली ए, तो ए से क्या आएगा, यहां पर ऑडिटरी। तो ये आ गया क्या, ऑडिटरी। तो ऑडिटरी भी हमने लिख दिया। फिर गर्ल के जी से हम क्या लिखेंगे गाइस, ग्लॉसोफेरेंजियल। तो ये हमने लिख दिया ग्लॉसोफेरेंजियल। ओके, तो ये ग्लॉसोफेरेंजियल भी हो गया। अब उसके बाद वेगस के वी से हमको याद रखना है क्या, सॉरी, वी से हम याद रखेंगे क्या, वेगस। तो वी ए जी यू एस। और हमेशा याद रखना है कि वी आपको डब्ल्यू ई वाला वी नहीं लिखना है, ओनली सिंगल अल्फाबेट वी लिखना है। ओके, उसके बाद एस से के एस से क्या आएगा, यहां पर स्पाइनल। ओके, सो ये स्पाइनल एसेसरी होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर स्पाइनल लिखूंगा। ओके, तो ये हो गया स्पाइनल। उसके बाद हाई के एच से हम लिखेंगे क्या, लास्ट नर्व विच इज हाइपोग्लॉसल। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, हाइपो
ग्लॉसल, ओके। सो कुछ इस तरीके से गाइज हम क्या कर सकते हैं, नर्व्स को याद रख सकते हो। अभी इनका नंबर भी आप अच्छी तरीके से डिनोट कर सकते हो, रोमन अल्फाबेट्स में लिखना पड़ता है। और ये नर्व्स के बारे में भी मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जाता है, विच इज द फर्स्ट नर्व, सेकंड नर्व, फिफ्थ नर्व, तो कुछ इस तरीके से इसी सेंटेंस से आप उनको भी याद रख सकते हो। तो ऑल्फैक्टरी जो रहेगी वो कौन सी नर्व रहेगी गाइज आपकी, ये रहेगी फर्स्ट नर्व, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये हो गई एट्थ, ये हो गई आपकी नाइन्थ, ये हो गई आपकी टेंथ नर्व, ये हो गई इलेवेंथ नर्व, और ये हो गई आपकी ट्वेल्थ नर्व, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप नर्व्स को याद रख सकते हो, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर आप उनको लिख सकते हो, एज वेल एज आप उनके नंबर को भी याद रख सकते हो। लेकिन एक और कंफ्यूजन होता है गाइस कि इनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है और कौन सी मोटर है, तो उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस अभी हमें ये तो पता चल गया कि हम इन नर्व्स को कैसे याद रखेंगे करके, ओके। लेकिन गाइस अभी हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी नर्व सेंसरी होती है, कौन सी नर्व मिक्स्ड होती है, कौन सी नर्व मोटा होती है, बिकॉज ये भी चीजें पूछी जाती है। तो उसको भी याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, बस आपको कुछ रेट्स, कुछ MRPs याद रखने हैं। अब वो है क्या, वो चलो देखते हैं। सो 128 रुपए की साड़ी, ओके, 128 रुपए की क्या मिली, साड़ी मिली, ठीक है, बहुत सस्ती साड़ी है, लेकिन आपको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा, ओके। उसके बाद 34,61,112 रुपीस की क्या मिली गाइस, मोटर बाइक, बड़ी महंगी बाइक है, ओके। तो क्या मिली, क्या मिली, मोटर बाइक मिली, ओके। उसके बाद गाइस 5,07,910 रुपीस का क्या मिला गाइस, मिक्सर ग्राइंडर मिला, क्या मिला, मिक्सर ग्राइंडर मिला, ठीक है। तो अब इनके मदद से हम यहां पर सेंसरी मोटर मिक्सनर को कैसे याद रखेंगे, तो यहां पर इनके नंबर को याद रखना है। नंबर क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड एट, कौन सी है, साड़ी, एस, एस से ध्यान रखेंगे सेंसरी, तो फर्स्ट नर्व इज सेंसरी, सेकंड नर्व इज सेंसरी एंड एट्थ नर्व इज सेंसरी, साड़ी के एस से सेंसरी, ओके। उसके बाद मोटर बाइक के, फिर यहां पर थर्ड नर्व इज मोटर नर्व, फोर्थ नर्व इज मोटर नर्व, सिक्स्थ नर्व इज मोटर नर्व, ओके, देन 11th, ओके, ये पूरा 11th, क्योंकि फर्स्ट नर्व तो हो गई है, तो अब 11th नर्व कौन सी है गाइस, मोटर नर्व है, ओके। उसके बाद 12th नर्व भी कौन सी है, मोटर नर्व है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर बचे हुए जो नर्व नॉर्मल से बचे वो कैसे रहेंगे, मिक्स्ड नर्व, तो 5th, 7th, 9th एंड 10th, तो ये 5th नर्व इट इज मिक्स, MI करके लिखता हूं, मिक्स्ड नर्व, फिर 7th नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व, फिर 9th इट इज अ मिक्स्ड नर्व, and 10th nerve it is a mixed nerve। तो guys कुछ इस तरीके से इन numbers को याद रख के आप क्या याद रख सकते हो कि ये कौन सी sensory है, कौन सी mixed है, कौन सी motor है, okay? So guys यही था the trick about how to learn the cranial nerves, okay? Thank you so much. Please like, subscribe and share my channel.
रिकॉर्डिंग चालू किया था ना।